जिले के हिरणपुर अंचल निरीक्षक विकास बासकी के नेतृत्व में बुधवार को पाकुड़ जिले के हिरणपुर बाजार से दुकानों की औचक जांच किया गया। जांच के दौरान 3 दुकान खुले पाए गए, जानने पर दुकानदारों के ऊपर 1,150 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अंचल निरीक्षक ने जेम्स पार्लर को खुला पाया, जिसे तत्काल कार्रवाई करते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह मिशन पथ स्थित जूता दुकान को भी 500 व सब्जी मंडी स्थित एक सैलून को खुला पाए जाने पर 150 रुपए का अर्थदंड दिया गया। अंचल निरीक्षक ने दुकानदारों को सख्ती से चेतावनी देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान निषेध किए गए दुकानों को किसी भी हालत में नहीं खोलना है। दुकानें खोलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के निर्देशानुसार 2 बजे के बाद सभी हाट बाजार व दुकानों को बंद रखना है। वहीं दुकानदार के साथ साथ ग्राहकों को भी मास्क लगाना आवश्यक है। इसमें लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानों में शारीरिक दूरी का भी पालन करें। इस जांच क्रम में ESI राजेश कुमार राम, अंचल नाजिर सौरभ, यासीन अंसारी, गोपाल तुरी, मुन्ना बागती, तफीजुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित थे। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.